अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, सलीम दवा खाना बुलवाल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा जो आज का नुस्खा है, ये मोरों के दर्द, कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द, इसके अलावा हड्डियों का बुरबुरा होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, डिस्क स्लिप के ऊपर काम करता है। इस नुस्खे का जो नाम है वो सुबह पेन किलर प्लस विटामिन डी। सबसे पहले नुस्खे की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। हमारे चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि आप दोस्तों के साथ वो नुस्खा शेयर किए जाएं जो रिजल्टेबल और मुजरब हों। मतलब के ऊपर ये नुस्खा अरसा 2 साल से हम चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिजल्टेबल नुस्खा है। हमारे चैनल के ऊपर जितने भी नुस्खे आपको मिलेंगे इंशाल्लाह रिजल्टेबल मिलेंगे और मुजरबात में से होंगे इंशाल्लाह ताला। इस नुस्खे के अंदर जो चीज़ें शामिल की हैं, सबसे पहले आपको उनसे मुतारफ़ करवाता हूँ, उसके बाद फिर आपको नुस्खे के फायदे के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। इस नुस्खे के अंदर जो चीज़ शामिल है उसमें अस्कंदा गोरी है, सुरंजा शीरी है, जीरा सफ़ेद है, कस्त शीरी है, उसमें सुंड है, मूसली सफ़ेद है इंडियन, और बदहारा शामिल है। ये 7 अज़ा का मुरक्कब नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और रिजल्टेबल नुस्खा है। इस नुस्खे का जो वज़न है वो बराबर बराबर तमाम अज़ा, मसलन अगर आप 100 100 ग्राम लेते हैं तो तमाम अज़ा ही 100 100 ग्राम होंगे। ये सफ़ूफ हर किस्म के दर्द के ऊपर काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास तौर पर जोड़ों के दर्द, मोरों के दर्द, कमर के दर्द, मोरों का हिलना, हड्डियों का कमज़ोर होना, इसके अलावा डिस्क स्लिप के ऊपर काम करता है, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, जो हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से होता है ना वहाँ पे, इसके अलावा ये हड्डियों का बुरबुरा हो जाना विटामिन डी की कमी की वजह से जो ऐसा होता है वहाँ पे ये काम करता है। इसके अलावा ये शुगर के मरीजों के दर्द की बेहतरीन दवा है, जो शुगर का शिकार होते हैं लोग, उनके जो जिस्म के दर्द होते हैं उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिजल्टेबल चीज़ है। इसके अलावा ये कुव्वत-ए-बा की कमी का शिकार लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है, ख़ास करके शुगर वाले जो मरीज़ होते हैं उनको कुव्वत-ए-बा की कमी हो जाती है। ये नुस्खा अगर कुछ अरसा मुतवातर इस्तेमाल किया जाए तो कुव्वत-ए-बा की कमी को भी पूरा करता है। मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक चम्मच इसकी खुराक है दिन में 2 बार, सुबह शाम खाने के आधे घंटे के बाद, और लेना दूध के साथ है आपने। किसी किस्म का भी इस नुस्खे का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिला खौफ व खतर इस्तेमाल कर सकते हैं। हर मिजाज के ऊपर यह नुस्खा मुआफिक आता है और हर मौसम में इस्तेमाल हो सकता है। जी, ये हमारा जो सफ़ूफ है, सफ़ूफ पेन किलर प्लस विटामिन डी, ये तैयार हो चुका है। तरीका इस्तेमाल भी आपको बताया था कि एक एक चम्मच आपने इस्तेमाल करनी है सुबह शाम, हमारा नीम गर्म दूध के साथ खाने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे। फ़ायद के ऊपर बात करूं तो एक बार दोबारा आपको बता दूं कि ये हर किस्म के दर्द, ख़ास तौर पर जो जोड़ों के दर्द होते हैं, मोरों के दर्द होते हैं, कमर के दर्द, मोरों का हिलना, हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों का बुरबुरा हो जाना, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिजल्टेबल नुस्खा है। विटामिन डी की कमी का जो लोग शिकार हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन चीज़ है, जिनको आए रोज़ जिस्म का दर्द बेचैन रखता है उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन और रिजल्टेबल नुस्खा है। शुगर की वजह से जो लोग कुव्वत-ए-खास
की कमी का शिकार हो जाते हैं उनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन रिजल्टेबल नुस्खा है। मर्द और दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हर मिजाज का जो बंदा है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है, हर मिजाज के ऊपर ये मुआफिक है। और लेना दो टाइम है, लेना दूध के साथ है। दूध में आप पत्ती भी शामिल कर सकते हैं, अगर जो लोग खाली दूध के साथ नहीं ले इस्तेमाल कर सकते, सौंफ शामिल कर सकते हैं दूध के अंदर, उसको उबाल लें, उसके साथ ले लें। दिन में 2 बार सुबह शाम के हिसाब से इस्तेमाल करना है। 1 से 2 माह के इस्तेमाल से बेहतरीन रिज़ल्ट आपके सामने होगा इस दवा का इंशाल्लाह ताला। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। मेरे तमाम नुस्खाजात मुजरब होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, तो आप ज़रूर बनाया करें और अपने दोस्तों को भी बताया करें। मेरे चैनल को भी लाइक लाजमी करवाएं, शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। और मकसद भी यही है चैनल बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं वो हर्बल की तरफ आएँ।